डॉक्टर बीना कौशिक, इतिहास विभाग, SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का टॉपिक है मेरा बलबन, पार्ट सेकंड। प्रमुख रूप से बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन योग्य, दूरदर्शी और व्यवहारिक व्यक्ति था। उसने गद्दी पर बैठते ही उसके सामने अनेक कठिनाइयां आईं। इस कारण बलबन ने ये निश्चय किया कि वह राज्य विस्तार की अपेक्षा अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और उन सीमाओं के अंतर्गत शांति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करेगा। इस कारण बलबन का संपूर्ण समय आंतरिक संगठन का है और साम्राज्य विस्तार का नहीं। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से अपने विचार प्रकट किए। सुल्तान के पद की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसने अनेक कार्य किए। सबसे पहला हम देखें तो इस संदर्भ में उसने सुल्तान के दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर बल दिया। बलबन ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया और उसके आदेशों को ईश्वर का आदेश बताया। उसके अनुसार कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद है। सुल्तान जनसाधारण को उसकी आदेशों का पालना करनी चाहिए और उनके कार्यों की आलोचना करने का उन्हें अधिकार नहीं है। दूसरा कार्य उसके द्वारा किया गया कि स्वयं उसने राजकुलीन व्यक्ति होने का दावा किया। बलबन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्वयं को ईश्वर ईरान के शाही वंश का वंशज बताया। वह साधारण व्यक्तियों से मिलना तक पसंद नहीं करता था। उसने उच्च पदों पर केवल उच्च कुल के लोगों को ही नियुक्त किया। उसके दरबार में भारतीय मुसलमान या निम्न वर्ग के लोगों को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। तीसरा उसके द्वारा कार्य किया गया कि स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन करना। बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को उच्च बनाया। उसने शराब पीना बंद कर दिया। उसने अधिकांशतः एकांत में रहना प्रारंभ कर दिया। साधारण जनता और यहाँ तक कि छोटे अमीरों से भी मिलना उसने बंद कर दिया। वह दरबार में ना हंसता था ना मुस्कुराता था। अपने कीमती वस्त्रों में ही वो जनता के सामने उपस्थित होता था। तो उसने अपने दरबार को ना केवल भव्य बनाया बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी उसने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तीसरा उसके द्वारा कार्य किया गया कि राज दरबार को भव्य और अनुशासित बनाना। इससे पहले हम देखें बलबन से पहले अमीरों और सुल्तानों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता था। इल्तुतमिश के विभिन्न उत्तराधिकारियों के समय 40 से जो दल है उसमें संघर्ष होता था। इस कारण से उसने दरबार को भव्य और अनुशासित बनाया। इसके लिए उसने दरबार में ईरानी परंपराओं को प्रारंभ किया। ईरानी परंपराओं को लाने वाला वो प्रथम मुस्लिम शासक है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परंपरा थी सिजदा। सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। दूसरी परंपरा पैबोस, सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उसके चरणों को चूमना। ये परंपराएं दरबार में बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई। बड़े अमीरों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को दरबार में खड़े रहने का आदेश दिया। दरबारियों के पहनावे निश्चित कर दिए गए और हम देखें तो अधिकतर दरबारी सादा वस्त्र पहनकर आते थे और बलबन रेशमी मलमल के जरी के काम वाले वस्त्र उनके सुल्तान और कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी ही पहन सकते थे। केवल महामंत्री ही सुल्तान से सीधी बातचीत कर सकता था। दरबार में हंसी मजाक पर, शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और दरबार में बड़े बड़े अंगरक्षकों को खड़ा किया जाने लगा। विदेशों से आए हुए विद्वान व्यक्तियों को अपने दरबार में उसने सम्मानित किया। इस प्रकार से बलबन ने पहली बार
दरबार को बड़ी ही शान शौकत और भव्यता प्रदान की। इससे इस सारी भव्यता का जनसाधारण और अमीर वर्ग में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब वो सीधे सुल्तान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, तो इसके कारण वो विद्रोह करना उनकी धीरे धीरे समाप्त हो गया और सुल्तान के विरुद्ध एक दूसरे गुटों का निर्माण करना उस पर भी प्रतिबंध लगा। तो जिससे सुल्तान के व्यक्तिगत ना केवल व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आया बल्कि उसके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। बलबन का राजत्व सिद्धांत अपने समय में सबसे अधिक कठोर था। वह सभी व्यक्तियों को अपने अधीन मानता था, कोई भी उसके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकता था या बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम देखें तो महत्वपूर्ण है और यहीं से इस सिद्धांत को अपनाने के बाद वह हम देखें बलबन शांतिपूर्वक अपना राज्य चला सका। धन्यवाद।